समस्याएं बहुत ही छोटी छोटी होती है, जिनको आप लोग समझते हैं कि ये समस्या बहुत ही बड़ी है। तो आज हम आपको बताएंगे प्रतिशत निकालने की बहुत ही इजी ट्रिक। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, जैसे कि 400 का 30% कैसे निकालें, 500 का 20% कैसे निकालें, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके नंबर का परसेंटेज हम कैसे निकालें। तो ये देखिए, सबसे पहले इसको जो 400 होता है इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, और का मतलब होता है गुणा, और 30% का मतलब 30, और परसेंटेज का मतलब होता है 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो यहां पर काट देंगे, और जो 40 है इसका 3 से जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा बराबर 120। यही हो जाएगा हमारा आंसर। और फिर है 500 का 20%। तो इसको किस प्रकार हमें हल करना है इसको भी आप लोग देख लीजिए अभी। तो 500 लिख देंगे, का मतलब होता है गुणा, और 20% का मतलब होता है 20, और बटे होता है 100। यहां पर दोनों जीरो को काट देंगे और यहां पर दोनों जीरो को काट देंगे, और जब 5 को 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा बराबर 100। तो कितना आ जाएगा, 100 रुपया। यही हो जाएगा हमारा आंसर। और फिर अब हम आपको बताएंगे कि आपने जो नंबर पूर्णांक प्राप्त किए हैं तो उसको हम कैसे परसेंटेज में ज्ञात करें। तो इसको देख लीजिए आप इसी समय, ये देखिए। अब हम आपको आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक का परसेंटेज निकालना बताएंगे। तो इसमें एक सूत्र का उपयोग होता है, एक प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। इस सूत्र को याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने अंक प्राप्त किए 400 और पूर्णांक कितना था 600। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे ये देखिए, प्राप्तांक कितने हैं 400, तो इसको गुणा कर देंगे 100 से, और जो पूर्णांक कितना था 600 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 400 बटे 6। जब हम इसको भाग देंगे तो बराबर आ जाएगा कितना, 66.66%। यही हो जाएगा आपका आंसर। और अगर मान लीजिए आपने 500 अंक प्राप्त किए हैं तो उसको भी इसी प्रकार 100 से गुणा कर देंगे, और पूर्णांक कितना था 600 था, तो क्या करेंगे हम, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, बराबर कितना बचेगा 500 बचेगा, और बटे 6। जब हम इसको भाग देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 83.33%। यही हो जाएगा हमारा आंसर। और मान लीजिए पूर्णांक कितना था 500 था, और हमने नंबर कितने प्राप्त किए 200, तो उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखिए, 200 कर देंगे यहां पर गुणे 100, और बटे क्या कर देंगे 500। फिर क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बराबर बचेगा 200 बटे 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 40%। इस प्रकार का इच्छा आप सभी अपने नंबर का जो है प्राप्तांक का आप परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक थी, आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आ गई होगी।